श्री सत्यनारायण मंदिर में लघु उद्योग भारती की टीम की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से लेकर 18 वर्ष तक के युवाओं को पहली डोज जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर वैक्सीनेशन लगाई गई। इस कैंप में 150 के करीब लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ लिया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी बनवारी प्रसाद ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। सबसे पहले सबको आज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हलचल चैनल के माध्यम से हमारे जो मंदिर में जितने भी लोक हित के कार्य होते हैं उन सभी को पब्लिक तक पहुंचाने में, सारे शहर तक पहुंचाने में बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंदिर में लघु उद्योग भारती महिला इकाई की तरफ से ये दूसरा कैंप जो वैक्सीन का लगाया गया, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को और सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज, और जिनको सेकंड डोज लगनी है उनको यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई। और इससे पहले भी महिला इकाई की तरफ से यहाँ पे अनेक कार्य, जैसे गरीबों को कंबल, ज़रूरतमंदों को राशन इत्यादि का कार्य ये निरंतर करते रहते हैं। तो श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन स्टेट के माध्यम से सभी लोगों को जो आवश्यकता के कार्य हैं वो महिला इकाई की तरफ से किए जाते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे अमित कत्याल जी जो कत्याल फाउंडेशन के नाम से अपना लोक हित के कार्य करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने लोग मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, मंदिर से में जितने आवश्यक कार्य होते हैं वो सभी आप हम सब के माध्यम से लोक हित के लिए किए जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इसी प्रकार मंदिर से जुड़े रहे और मंदिर के कार्य में, इस प्रकार के लोक हित के कार्यों में अपना सहयोग दें। मेरा नाम रश्मि खन्ना, जनरल सेक्रेटरी लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई। आज हमारे यहाँ पे सत्यनारायण मंदिर अर्बन स्टेट में हमने एक टीकाकरण कैंप लगवाया है कोविड का, जिसमें हमने सीनियर सिटीजन के बूस्टर डोज और बच्चों के लिए 15 से 18 साल के लिए कोविन की है, और उसके बाद बाकियों के सेकेंड डोज का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। ये हमारी तरफ से फोर्थ इनिशिएटिव कैंप है जो मतलब जनता के सफल कार्य के लिए है, और हमेशा तत्पर रहेंगे कि काम करते रहे और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ प्रेसिडेंट चेत्रा भगत, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रुचि शर्मा और एग्जीक्यूटिव मेंबर शैली भगत एंड पायल टंडन जी मेरे साथ हैं। तो हम सब ने आज मिलकर कैंप ऑर्गेनाइज किया है। जैसे इसमें एक दिन हम सरकारी स्कूल में बच्चों को, छोटे बच्चों को हमने उनकी ज़रूरत के सामान, टॉयज वगैरह जितना हम कर सकते थे वो किया। फिर एक दिन मंदिर में ब्लैंकेट बांटने का काम किया हमने। हम शिल्प कला को भी थोड़ा उभार के लेके आ रहे हैं कि लोग अपना काम कर सकें और हमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, और हमारी और भी वुमेन एम्पावरमेंट को एक मैसेज है कि वो आए हमारे साथ जुड़े, जो उनके अंदर स्किल्स हैं जो उनको लगता है एक्सप्लोर नहीं हो पा रही हैं वो हमसे बात करें तो हम उसको और तरीके से एक्सप्लोर कर पाएँ।